ये बड़े टूरिस्ट आराम से करो भाई प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन काइंडली बस थोड़ा सा क्या रोक पेरोज मैडम कुलगाम में आपको पता है जो हमारा कश्मीरी लेफ्टिनेंट आर्मी में था वो मारा गया है इसके बारे में देखिए ये बहुत बड़ा सानिया है कि एक तरफ से जो लोग मसले कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं दूसरी तरफ से वो कश्मीरियों को खासकर हमारे जवान बच्चों को जो आम घरों से आते हैं और अपनी मेहनत के बलबोते पे ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं जैसे अभी ये जो शहीद फयाज़ की बात कर रहे हैं जिसने बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में आर्मी में वो ऑफिसर बन गया और उसको कुछ सेकेंडों के अंदर बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। इससे पहले पुलिस के लोगों को कत्ल किया गया, बैंक के लोगों को कत्ल किया गया। तो मैं समझती हूँ बड़ा बहुत ही सोचने का लम्हा है हमारे लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, बिलखसूस वादी के लोगों के लिए, कि जो मसले कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं तो क्या उस मसले का हल इसी तरह बैंक लूटना है, हथियार लूटना है और हमारे जवान बच्चे जो पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं या बनते हैं तो उनका इस तरह से बेदर्दी से कत्ल करना है, क्या इस मसले का हल यही है?